मसाला पनीर। इसके लिए मैंने यहाँ पे पनीर को क्यूब्स में कट कर लिया है, ये करीब आधा किलो है। इसमें मैं डालने वाली हूँ 250 ग्राम पिसा हुआ प्याज और करीब 400 ग्राम पिसा हुआ टमाटर, एक बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट, एक बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट, यहाँ कुछ खड़े गरम मसाले और जीरा है। बाकी अपनी जो बेसिक मसाले होते हैं ना, मैं वही यूज करने वाली हूँ इसके लिए। यहाँ मैंने सरसों का तेल गरम किया है, दो बड़ा चम्मच सरसों का तेल है। इसमें मैं डाल लेती हूँ ये मसाले। जैसे ही ये स्प्लेटर होगा, इसमें हमें ऐड करना है ये पिसा हुआ प्याज। प्याज को एक मिनट भूनकर इसमें ऐड करेंगे ये पिसा हुआ अदरक लहसुन। अदरक लहसुन को भी मैंने एक मिनट तक भून लिया हुआ है। अब इसमें ऐड कर लेते हैं ये पिसा हुआ टमाटर। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई पे रखा हुआ है। जब तक ये प्याज टमाटर भून रहा है ना, यहाँ मैं इस कटोरी में अपने ये सूखे मसाले ले लेती हूँ। दो छोटा चम्मच कांदा लहसुन मसाला, दो छोटा चम्मच चिकन मसाला पाउडर है, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, दो छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर और एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, ये मिक्स है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर इसे मिक्स कर लेते हैं। टमाटरों को भूनते हुए करीब 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये हमारे मसाले और साथ ही साथ डालूंगी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। मसाले अच्छी तरह भून चुके हैं, तेल और मसाले अलग हो रहे हैं। अब इसमें हम करीब 1 कप पानी ऐड करेंगे और जैसे ही इसमें उबाल आना स्टार्ट होगा, इसमें हम ऐड करेंगे पनीर क्यूब्स। पनीर को मैंने फ्राई नहीं किया हुआ है, आप चाहें तो इसे फ्राई कर सकते हैं। इन्हें हमें अब आंच धीमा करके 4 से 5 मिनट के लिए पकने देना है। 5 मिनट हो चुके हैं, मैं गैस बंद करूंगी और ऊपर से ऐड करूंगी थोड़ा फ्रेश क्रीम। ये करीब मैं डालूंगी 2 बड़ा चम्मच, मिक्स करूंगी। धनिया के पत्तों से इसकी गार्निशिंग भी कर लेते हैं और लगे हाथों चलिए इसे एक सर्विंग बोल में निकाल भी लेंगे। तो बस ये हमारा मसाला पनीर अब खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। एंड आई होप आपको मेरे सिंपल सी सब्जी की सिंपल सी रेसिपी जरूर पसंद आई होगी और आप भी इसे एक बार मेरे तरीके से अपनी रसोई में बनाने की जरूर कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरी नेक्स्ट रेसिपी की वीडियो आने तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।